मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज रशीद कंपाउंड फैसल पार्क नामक इमारत में चलने वाले सेंट डोमिनिक सावियो सेकेंडरी स्कूल में मनपा कर्मी कार्रवाई करने पहुंच गई, जिसको लेकर स्कूल प्रशासन और मनपा कर्मियों में थोड़ी बहुत कहासुनी हुई। दरअसल स्कूल के गेट के अंदर एक पतरे का शेड लगा हुआ है। स्कूल की तरफ से बताया जा रहा है कि ये पतरे का शेड पहले से था और हमने कुछ महीने पहले ही स्कूल इस इमारत में शिफ्टिंग की है और इस पतरे की शेड की मरम्मत भी स्कूल वालों ने किया है। मगर स्कूल वालों का आरोप है कि इसी फैसल पार्क इमारत में रहने वाले मुर्तजा उनके खिलाफ मनपा में कार्रवाई करने की कंप्लेन दी है। स्कूल प्रशासन ने मुर्तजा पर 5 लाख रुपए स्कूल से रिश्वत मांगने का भी आरोप लगाया है। वहीं मुर्तजा ने बताया कि स्कूल से किसी भी तरह से पैसों की मांग नहीं की है। स्कूल की तरफ से लग रहे सभी आरोपों को मुर्तजा ने गलत बताया है। मुर्तजा का कहना है कि जिस जगह पतरे का शेड लगा है वहां से रास्ता है पानी की टाकी के पास जाने का, मगर स्कूल वाले इस रास्ते से पानी की टाकी की तरफ नहीं जाने दे रहे हैं। मुर्तजा ने बताया कि हमारी मांग रास्ते को लेकर है, दूसरी तरफ से पानी के टांकी के पास जाने का भी रास्ता है, मगर वहाँ काफ़ी गंदगी है। वॉचमैन या और कोई भी जाने को राजी नहीं होता है। वहाँ भी स्कूल के तरफ से पतरे की शेड लगाने की कोशिश की गई, मगर इमारत में रहने वालों ने विरोध किया, जिसके बाद पतरे का शेड नहीं लग पाया। इस पूरे मामले में स्कूल प्रशासन के तरफ से बिमला चंद टीचर और शाइन टीचर ने क्या कहा है। ये एक्चुअली सेंट डोमिनिक सेवियर स्कूल है, हमारे स्कूल का नाम, और मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ बिमला चंद। एक्चुअली क्या, आज हमारा ओपन डे था स्कूल में और ओपन डे हमारा चल रहा था, तो ऐसे में पेरेंट्स का आना जाना था और इतने में मैंने सामने वाले क्लास में मैं पेरेंट्स को बात कर रही थी, इतने में पुलिस वाले आए। तो पुलिस को देख कर मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि पुलिस वाले हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों आएगा क्या, तो उन्होंने कहा कि हम टीएमसी से आए। तो मैंने बोला टीएमसी से क्यों आए, तो बोले हमारे को इस बिल्डिंग से मुर्तजा नाम के आदमी ने कंप्लेन किया है कि ये इलीगल है, तो इसको हम तोड़फोड़ के लिए आए हैं। तो मैंने बोला ऐसा हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास ऑर्डर है क्या, तो ऑर्डर बोले तो वो लोग भड़क गए। तो हमने कहा हम लोग ऐसा नहीं जैसे जब तक आप ऑर्डर नहीं दिखाएंगे। तो ये था हमारा, ये एक्चुअली में हुआ ये था, और हमें इसके बारे में कोई कानो कान खबर भी नहीं थी कि वो क्या होने वाला है क्या नहीं। जी नहीं सर, ये एक्चुअली जब से हमने ये स्कूल लिया है, लेकिन ये स्कूल उससे पहले दूसरे लोग चलाते थे, तभी भी ये शेड लगा हुआ था, और ये शेड अभी नहीं लगा है, ये 15 साल से लगा हुआ है। लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, उसको रिन्यूट किया है, मीन जो पुराना था उसे निकाल के न्यू लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि बच्चे नीचे बैठते हैं, आते जाते हैं, उनके ऊपर पानी गिरता तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैडम ने कहा कि इसे हम न्यू कर देते हैं, बाकी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किए, जो था जिसको एज इज इट किया। तो लेकिन फिर भी वो मुर्तजा नाम के आदमी को इतना प्रॉब्लम है, ऑलरेडी पहले था तभी उनको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं था, और यहाँ तक जब वो टीएमसी वाले आए उन्होंने उनको ये बताया कि यहाँ से आना जाना पहले से था, जबकि था ही नहीं। मैं इस स्कूल में 6-7 साल से काम कर रही हूँ, तब से मैंने कभी इस, क्योंकि सामने हमारा स्कूल था, यहाँ पे दूसरा स्कूल चलता था, तभी भी मैंने किसी भी बिल्डिंग वाले को यहाँ से ऊपर नीचे करते हुए नहीं देखा। तो ये अचानक से आए और अचानक से ऐसा हम लोग ने लिया, 6 महीने से हम लोग ये स्कूल चला रहे, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर उनको इतना ही प्रॉब्लम था तो पहले उन्होंने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया, यही हमारा और उनका। जी 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 सर, एक्चुअली बातचीत तो हुई नहीं थी, लेकिन वो जब भी हम लोगों से 5 लाख की डिमांड की है, 5 लाख की, वो जो पर्सन है मुर्तजान सर, उन लोगों ने 5 लाख की डिमांड की, ये सब मैटर को ये करने के। हाँ, और ये एक्चुअली इनका एक्सक्यूज ये शेड नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मैटर है, वो बाद में समझ में आएगा। शाहीन शेख, मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ ये स्कूल की प्राइमरी की। बोला मैडम ने, बोले थे कि देखेंगे करके, क्योंकि मैडम अभी फिलहाल आउट ऑफ सेशन है, क्योंकि उनके बच्चे का ट्रीटमेंट चल रही है, इसके लिए सब पेरेंट्स अभी उसी के लिए आए, क्या कि बताने के लिए कि ये शेड का कुछ भी मैटर नहीं है, ये कुछ ना कुछ उसका है, चल रहा है कि अभी वो क्या बोल रहा है, कुछ कोई भी इलीगल काम नहीं किया है, जो भी किया है सिर्फ उसको रिन्यूट किया, और उसके सिवाय हमने कुछ नहीं किया। ये उनको पहले से पता है, जबकि वो जानते हैं कि वो तब से रह रहे हैं और हम भी उनको तब से देख रहे हैं, तो ये उनके उनको क्यों ऐसे लगता है कि ये अभी इलीगल है। इससे पहले भी सर वो इधर आकर फोटोज निकाल रहे, आके जागते, पूरा लेडीज स्टाफ है सर इधर,
क्या उनको राइट क्या है उनको क्या राइट है उनको इधर आके ऐसे फोटोज निकालने और देखने की फिर गर्ल्स तो हम लोग क्या अलाउड करेंगे ये तो टोटली है ना इसके बारे में उनको हमने बताया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं नोटिस है ये भी हम लोगों ने ये उनको दिया था कि पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेन किया था कि ये ऐसा करते हैं करके हरास करता है इस बारे में ये शेड के बारे में सब पूरा हर चीज के रखो ये शो करो ना ये सब कार्रवाई करने के लिए आए थे यहाँ पर जी जी लोगों से आपकी क्या बात हुई उन लोगों ने क्या कहा है आपको वो लोग कह रहे थे कि आप लोग हम लोग अभी तोड़ने वाले हैं तो हमने उनसे टाइम लिया है कि हम लोग 24 उन्होंने 48 आवर्स का हमको टाइम दिया है कि उसके बीच में आप लोग कुछ करो करके तो वो हमने उनको बोला है हम बात करेंगे करके क्योंकि अभी जो हमारी मैनेजमेंट है वो यहाँ पर नहीं है आउट ऑफ स्टेशन है तो वो आएंगे उसके बाद ही ये होगा एक्शन लिया जाएगा 48 आवर्स का दिया है सब डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास स्कूल की तरफ से जो भी आरोप मुर्तुजा पर लगाए गए हैं उस पर जब हमने मुर्तुजा से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है मेरा नाम गुलाम मुर्तुजा अंसारी है ये फैसल पार्क है मिर्जा कॉम्प्लेक्स के अंदर इसमें बिल्डर ने ग्राउंड फ्लोर पूरा बेच दिया हम लोग को किसी को बिल्डिंग वाले को पता नहीं है जब हम लोग को पता चला तो लोगों ने बताया कि स्कूल वाले ने खरीदा है स्कूल वाले से जाके मिले मिलने के बाद उनसे पूछे कि आपने लिया है ये तो बोले हाँ लेने की बातचीत चल रही है कुछ 1,10,00,000 में तो मैंने बोला उनको कि आउटर स्पेस जो है पहले इसमें चल रहा था क्रिसेंट स्कूल उसके बाद चल रहा था फिर अलहिदाय पब्लिक स्कूल फिर स्टार पब्लिक चला उसे सब भाड़े में चला अभी आप खरीद रहे हो और ख़रीदे हैं तो आउटर स्पेस में हम लोग का वो पानी का टाकी आने जाने का रास्ता है बिल्डर ने हमको बताया नहीं कुछ भी आपको मैं बताता हूँ एक हमारा वॉचमैन जाना करेगा उधर से और हमेशा करता है आज 25 साल से तो वो चीज़ एक चाबी आपके पास रहेगा एक चाबी हम लोग के पास रहेगा और हमेशा रहता है ये बोली अच्छा ठीक है ऐसा है तो वो मेरे को बोले बिल्डर ने कि नहीं पूरा तुम्हारा है ये बोला वो बिल्डर बेचने के लिए हर जगह पे दूसरी जगह भी बना के रखा था तो बिल्डिंग वाले ने तोड़ ताड़ कर दिया था बिल्डर ऐसे ही करते हैं वो चीज़ पे नहीं जाना आप हम लोग मिलजुल के रहेंगे पूरा सोसाइटी में और ये जो आउटर स्पेस से जो आना जाना है इसमें कोई भी क्लासेस नहीं चलता है सिर्फ आना जाना है रास्ता है वो टाकी में जाने के लिए स्टोर टाकी में हम लोग का बिल्डिंग का मोटर उसके अंदर फिट है वो मोटर भी वहीं रहेगा लेकिन उसने बोली कि नहीं हम वो बाद में वो जब काम करते रही और मैं जब बाहर निकल गया सऊदी चला गया था हज को वो बीच में उसने पूरा टाकी में पानी के टाकी में घिराव करके बांध काम करके 6 फीट 7 फीट का और पूरा क्लोज कर डाला और क्लोज करके हम लोग का बिल्डिंग का मोटर बाहर कर दिया पूरा बाहर वो स्कूल वाले ने बाहर कर दिया जब हम आए पहले बिल्डर से मिले बिल्डर को बोले ऐसा ऐसा किया है बोले वो मान नहीं रही है मैं क्या करूँ तो मैंने बिल्डर को फ़ोन भी किया उसके डैडी को बनारस में बैठे सारे सौदा बनारस में जाके हुआ है यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है और बिल्डर का लड़का कासम फैसल मिर्ज़ा जो है वो जा करके इनको ले लेके फ्लैट से गए हैं वहाँ पे ये सब किए बाद में हम लोग को पता चला तो हम लोग का कहना है एक ही चीज़ कि हमारी टाकी जिधर से 25 साल से 20 साल से आना जाना है वो टाकी में आने जाने के लिए हमको रास्ता चाहिए और वो टाकी जो घेर दिए पानी का वो तुम उठा डालो हमको कोई किसी से लेना देना नहीं है कुछ 20 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़े और भी हम लोग का कोई लेना देना नहीं है उससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है का जो ऊपर शेड लगाया गया जी उस शेड को आपने शेड बताकर जो है शेड का इसलिए शेड का इलीगल नहीं बताया है आपने जो है उनसे कार्रवाई ना कराने के वजह में 5,00,000 रुपए की मांग नहीं बिल्कुल नहीं ये बात बिल्कुल गलत है ये बेबुनियाद है हमारे से कभी पैसे की बात हुई नहीं है ना मैं करूँगा पैसे के बारे में ना हमको कोई लालच है इस चीज़ का सारे बिल्डिंग वाले का साइन है हमारे पेपर में जो हम लोग को चाहिए पानी का लेकर के बस वही चीज़ है पैसे के लिए हम लोग कोई किसी से डिमांड नहीं किए हैं और ना करेंगे कभी हमारा जो है बिल्डिंग रिपेयर का पैसा वो बिल्डर से लेना है बिल्डर नहीं देगा तो मैडम बोली थी हम देंगे ये बातें हैं बाकी कुछ नहीं है पैसे के बारे में कोई डिमांड कोई किसी ने हमारे मेंबर ने किसी ने नहीं किया है ना मैं किया हूँ वहीं इस पूरे हंगामे के बीच मुंब्रा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई स्कूल प्रशासन मुर्तुजा पर आरोप लगा रहा है और मुर्तुजा स्कूल प्रशासन पर स्कूल प्रशासन पत्रे की सेट को लीगल बता रहा है तो वहीं मुर्तुजा उसे इमारत का रास्ता बता रहा है वहीं मनपा कर्मियों ने स्कूल प्रशासन को अगले 48 घंटे की मोहलत दी है उसके बाद स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें